हाँ देखिए कक्षा 11 गणित में आज हम लोग जो है अनुक्रम और श्रेणी चैप्टर मतलब पाठ का अध्ययन करेंगे। उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप अनुक्रम क्या होता है उसको लिखिए। अनुक्रम, अनुक्रम का परिभाषा है थोड़ा सा लिखिए। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे अनुक्रम कहते हैं जैसे 2, 7, 12, 17 ऐसे है। देखिए ये जो पूरी संख्याएं हैं 5-5 के अंतर पर जो है बढ़ रही है, तो क्या है अनुक्रम है। क्या है अनुक्रम। जैसे पहला, दूसरा, दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11, 14 स्क्वायर, ये सब क्या ये भी क्या अनुक्रम है। क्या है नोट में लिख लेना, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में कामा, मतलब अर्ध विराम, देकर लिखते हैं। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अर्ध विराम लगा होता है। जो अनुक्रम होगा इन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा कामा लगा होगा। उदाहरण में और हम लिख सकते हैं, ढेर सारा उदाहरण है। अनुक्रम लिखने का मतलब है अनुक्रम में क्या होता है वो कामा देकर लिखा जाता है। ठीक, ये अनुक्रम हो गया। श्रेणी क्या होता है उसको समझ लीजिए। श्रेणी और अनुक्रम में बहुत बारीकी अंतर है। श्रेणी होता है जब संख्याओं के समूह या तो जब अनुक्रम में जोड़ या घटाव का चिन्ह लगे हो तब वह श्रेणी कहलाती है। श्रेणी क्या होता है जो अनुक्रम है उसमें धन या ऋण का चिन्ह लगा के लिखा जाए तो क्या हो जाता है श्रेणी हो जाता है। तो श्रेणी अनुक्रम में बहुत बारीकी अंतर है। अनुक्रम में भी संख्याओं का समूह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, श्रेणी में भी संख्याओं का समूह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। ठीक, दोनों में अंतर। इसमें कामा देकर लिखते हैं, इसमें प्लस और माइनस देकर लिखते हैं। जैसे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस ऐसे। दूसरा 4, 8, 12, 16 तीसरा उदाहरण, हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे। तो यह श्रेणी है, इसलिए प्लस या माइनस लगाइए। प्लस माइनस, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस माइनस ऐसे।
तो अनुक्रम में क्या आता है, संख्या जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, संख्या क्या हो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। और दूसरा बात होता है कामा देकर लिखेंगे तो अनुक्रम होता है, और तीसरा बात प्लस या माइनस का चिन्ह देकर लिखेंगे तो क्या होता है श्रेणी होता है। ठीक, ये बहुत छोटा सा मतलब परिभाषा था अनुक्रम श्रेणी का। अब हम लोग जब चलते हैं तो हमें श्रेणी पढ़ना है, अनुक्रम श्रेणी दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, और दोनों एक जैसे ही हल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत है लिखने का तरीका है। अगर प्लस माइनस देकर लिखते तो श्रेणी हो जाता है, और कामा देकर लिखते हैं तो क्या होता है अनुक्रम होता है। ठीक है, तो हम श्रेणी के प्रकार यह दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, मुख्य रूप से यह दो प्रकार का होता है, होता है पहला परिमित श्रेणी, परिमित दूसरा होता है अपरिमित। परिमित में क्या होता है थोड़ा सा लिख दो, इसमें जो है जो समूह होता है निश्चित होता है, मतलब समूह में पदों की संख्या निश्चित होती है, लिख लो परिभाषा इसका, समूह में पदों की संख्या निश्चित होती है तो परिमित श्रेणी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे देखो दो चार छह श्रेणी है, ऐसे आठ दस, देखो इसमें जैसे है, मैं पहला उदाहरण दिया परिमित श्रेणी का उदाहरण है दो चार छह आठ दस, इतना इसमें पदों की संख्या निश्चित है इसलिए क्या है परिमित श्रेणी। अपरिमित क्या होती है पदों की संख्या निश्चित, और ये क्या है पदों की संख्या अनिश्चित। ठीक, ध्यान से समझो एक बात, और श्रेणी के प्रकार पद के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी दो प्रकार होता है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। ये जो हम विभाजन किए किसके आधार किए, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी कई प्रकार का होता है, श्रेणी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी दो प्रकार का होता है, पहला परिमित श्रेणी, दूसरा क्या होता है अपरिमित। ठीक है, तो परिमित में क्या होता है पदों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित में क्या होता है पदों की संख्या अनिश्चित हो। ठीक है, ये हो गया। इसका विभाजन जो दो प्रकार से हुआ है पदों की संख्या के आधार पर हुआ है, पदों के संख्या के आधार पर। ठीक, अब हाँ देखिए श्रेणी क्या होता है उसको देखिए ध्यान से, श्रेणी हम श्रेणी पढ़े हैं, अब श्रेणी देखो क्या होता है, श्रेणी और श्रेणी में छोटा छोटा अंतर इसको हम लोग नोट करते हैं। देखिए ऐसा अनुक्रम जिसके पदों को विशेष प्रतिबंध के आधार पर मिलते हैं उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा श्रेणी भी अनुक्रम है, श्रेणी भी अनुक्रम है,
श्रेणी में क्या आता है, अनुक्रम में प्लस माइनस दे दिए तो श्रेणी हो गया। और श्रेणी में क्या आता है, मतलब वो अनुक्रम ऐसा जो मतलब किसी प्रतिबंध के आधार पर उसको लिखते हैं उससे हम लोग श्रेणी कहते हैं। उदाहरण देखिए ध्यान से हम बता दे रहे हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे डाटा, तो देखो इसका प्रतिबंध क्या है, इसमें जो है प्रतिबंध कौन सा है, ए एन बराबर 2n-1, जहां एन बराबर 1, 2, 3 ऐसे डाट लिखते जाएंगे। देखो एन बराबर अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 का 2 में सीख निकला 1 आ गया। एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 में सीख निकला 3 ये भी हो गया। एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 में सीख निकला 5। तो मतलब यह जो अनुक्रम है प्रतिबंध एन बराबर 2n-1 का पालन कर रहा है, ठीक। और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। क्या क्या हो गया, श्रेणी, क्या हो गया श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है, श्रेणी में क्या होता है प्रतिबंध का होना जरूरी नहीं है, नोट में लिख लीजिए। श्रेणी में प्रतिबंध का होना आवश्यक नहीं है, श्रेणी में प्रतिबंध का होना आवश्यक नहीं है, परंतु श्रेणी में प्रतिबंध का होना आवश्यक है, एक अंतर। दूसरा अंतर क्या है, सभी श्रेणी को श्रेणी कर सकते हैं, परंतु सभी श्रेणी को श्रेणी नहीं कह सकते, ठीक है। श्रेणी में क्या होता है कि वो प्रतिबंध का पालन करे या न करे वो श्रेणी में आ जाएगा। जैसे देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, फिर 15 हो गया, एक ऐसे बढ़ता चला जा रहा है ना। देखो इसमें क्या है, किसी प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, चल जो है किसी प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है, इसको हम लोग श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी। देखो यहाँ कितना बढ़ा, 2, यहाँ कितना बढ़ा, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, तो किसी प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया श्रेणी, क्या हो गया श्रेणी। या देखो हर बार 2-2 बढ़ रहा है, तो एक प्रतिबंध का पालन कर रहा है, इसलिए क्या है श्रेणी, समझ आया ना। तो श्रेणी और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है, बारीकी उसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक। हाँ देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न 1 से 6 तक के प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका एनवा पद दिया गया है, ठीक। अनुक्रमों में से प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में से प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका एनवा पद दिया गया है, ठीक। इसमें देखिए 6 प्रश्न है, हम इसमें 2 बता देंगे, बाकी सब कर लीजिएगा। तो हम पहला बता दे रहे हैं, सबसे पहले पहला हल दिया है ए एन 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 प्लस 2, ठीक। ए वन क्या दिए, एन के स्थान पे 1, हो जाएगा 1 × 2 कितना हो गया 1 × 2 = 3 हो गया 3। ए टू करिए, एन के स्थान पे 2 रखना है, ध्यान दो हर बार यहीं से मुझे चलना है, यहीं से यहाँ फिर यहीं से यहाँ, ठीक है।
यानी कि स्थान दो रखेंगे तो बराबर दो दो प्लस दो उष्टक, फिर दो प्लस दो कितना हो जाएगा, दो गुणे दुगुना चार, चार दुना आठ। ए थ्री करिए, ये पांच पद लिखना है, ए थ्री यानी कि स्थान से तीन लिखेंगे तो यहाँ भी तीन लिखेंगे, ये यहाँ थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, तीन दूंगा तीन दू पाँच, पाँच तीन पंद्रह। ए फोर, ए फोर करिए, ए फोर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चार, चार प्लस दो हो जाएगा चार गुड़े चार दू छः चौ चौबीस। ए फाइव लिखिए, ए फाइव लिखना है तो यहाँ पाँच, पाँच प्लस दो कितना हो गया, पाँच गुड़े सात बराबर पैंतीस। ठीक, तो हमारा अनुक्रम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, अनुक्रम अनुक्रम हमारा हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव। ए वन के स्थान पे ए वन का मान रखेंगे तीन का मान, ए टू के स्थान पे ए टू का मान रखेंगे आठ का मान, ए थ्री के स्थान पे ए थ्री का मान रखेंगे पंद्रह का मान, ए फोर के स्थान पे ए फोर का मान रखेंगे चौबीस कामा, ए फाइव के स्थान पैंतीस। तो पहला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है पांचवा बता दे रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा करें ना, पांचवा चौथा भी बता दे रहे हैं। ठीक, तो पांचवा देखिए ध्यान से, पांचवा कर रहा है, पांचवा क्या है, ए एन बराबर है माइनस एक घाते एन माइनस वन और फाइव बार एन प्लस वन, एन बराबर एक लेंगे हर बार, एन बराबर एक दो तीन चार पांच ऐसे करके लिखेंगे, एन पदों की संख्या है। ए वन करेंगे तो वहां हो जाए माइनस एक घाते वन माइनस वन, पांच घाते एक प्लस एक हो जाएगा ऋण एक घाते जीरो और पांच घाते दो, ऋण घाते जीरो उत्तर एक हो जाएगा, गुणे पांच घाते दो बराबर पांच घाते दो, पच्चीस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए टू करिए, एन बराबर टू रखेंगे हो जाएगा माइनस एक पावर टू माइनस एक पांच घाते टू प्लस वन हो जाएगा माइनस एक घाते दो में से निकला एक पांच घाते तीन, ऋण का हो जाएगा ऋण पांच घाते तीन। ए थ्री करिए, ए थ्री करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक घाते थ्री माइनस एक, एन मतलब एन के स्थान थ्री माइनस एक या थ्री माइनस एक पांच घाते थ्री प्लस वन हो जाएगा हमारा माइनस वन पावर टू और हो जाएगा पांच घाते चार, तो मतलब ऋण एक का वर्ग करेंगे प्लस पांच घाते चार। इसी तरीके से फाइव, ए फाइव भी करिए, ए फाइव करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक घाते फाइव माइनस एक। देखो हर श्रेणी को यही से लिखना है, जहां पर एन है जैसे पहला लिखना है तो एन बराबर एक लिखिए, दूसरा लिखना है तो एन बराबर दो, तीसरा लिखना है तो एन बराबर तीन, चौथा एन बराबर चार, पांचवा लिखना है तो एन बराबर, अच्छा पहले चौथा, चौथा लिखना है तो एन बराबर चार लिखेंगे, यहाँ पर भी चार और यहाँ हो जाएगा पांच घाते चार प्लस वन, ऋण एक घाते हो जाएगा तीन, पांच घाते पांच हो जाएगा ऋण एक का विषम वर्ग पांच घाते पांच। ठीक है, ऋण एक का विषम वर्ग घात होगा तो ऋण आएगा। ए फाइव भी लिख लीजिए, माइनस एक घाते फाइव माइनस वन यानी के स्थान फाइव माइनस वन, यहाँ फाइव घाते फाइव प्लस वन हो जाएगा ऋण एक घाते चार और पांच घाते छह, तो इसका हो जाएगा प्लस पांच घाते छह। तो हमारा जो है पांच पद हो गया, इसको अनुक्रम में लिखिए, अनुक्रम में कामा देकर लिखते हैं, अनुक्रम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव कामा देकर लिख दीजिए। ए वन के स्थान पे ए वन का मान रखिए कितना है पांच घाते दो ना कामा, ए टू के स्थान पे ए टू का मान रखिए कितना है माइनस पांच घाते तीन, ए थ्री के स्थान पे पांच घाते चार, ए फोर के स्थान पे माइनस पांच घाते पांच, ए फाइव के स्थान पे पांच घाते छह। तो यह हमारा हो गया
पांचवा प्रश्न, तो हम पहला बताए पांचवा बताए, अब छठा भी बता दे रहे हैं, उसको देखिए छठा में क्या होगा। ऐसे ही होगा जैसे उसको किए हैं सारा ऐसे ही होगा। तो छठा प्रश्न देखिए हल, छठा में होगा देखो एन बराबर दिया है एन एन स्क्वायर प्लस पांच बटे चार, एन के स्थान पर एक लिखेंगे तो यहाँ पर एक एक स्क्वायर प्लस पांच बटे चार कितना हो गया, एक ऐसे ही एक का वर्ग एक धन पांच बटे चार और एक बटे छ बटे चार कितना हो गया तीन बटे दो। ए टू करिए एन के स्थान पर टू रखेंगे दो स्क्वायर प्लस पांच बटे चार हो जाएगा दो और दुगुना चार प्लस पांच बटे चार दो बुढ़े नौ बटे चार हो जाएगा अठारह बटे चार और काट दीजिए दोनों अठारह दुगुना चार। ए थ्री करिए ए थ्री में क्या होगा थ्री थ्री स्क्वायर प्लस फाइव बटे चार थ्री बुढ़े तीन दिखा नौ प्लस पांच बटे चार थ्री बुढ़े नौ पाँच चौदह बटे चार सत्ता चौदह दुगुनी चार कितना हो गया इक्कीस बटे दो। ठीक है ए वन ए टू ए थ्री अब क्या करेंगे ए फोर ए फाइव ए फोर ए फाइव निकाल लेते हैं हम लोग। ए फोर कितना हो जाएगा तो यहाँ के स्थान चार लिखेंगे यहाँ विचार ऐसे बटे दो चार कितना हो गया चार बुढ़े सोलह प्लस पांच बटे चार चार बुढ़े सोलह पाँच इक्कीस बटे चार ठीक है चार चार से कट गया कितना है इक्कीस समझ आया। अच्छा अब देखिए ध्यान से ए फाइव हो जाएगा हमारा फाइव फाइव स्क्वायर प्लस फाइव पान पांच बुढ़ा पांच से पच्चीस पान तीस बटे चार कितना हो गया भैया पंद्रह बटे दो पंद्रह से पचहत्तर बटे ठीक है। तो अनुक्रम लिखिए अनुक्रम में क्या लिखेंगे अनुक्रम ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री कामा ए फोर कामा ए फाइव मान रखिए ए वन के स्थान पे ए वन के स्थान तीन बटा दो ए टू के स्थान पे नौ बटा दो ए थ्री के स्थान पे इक्कीस बटा दो ए फोर के स्थान पर इक्कीस और ये फाइव थर्ड पचहत्तर होते ठीक है। क्या हो गया हमारा एक से लेकर छह तक ये हो गया पूरा प्रश्न। हाँ देखिए निम्नलिखित प्रश्न सात से दस तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका यनमा पद दिया गया है जो जो पद बोला है उसी को निकालना है। तो हम सबसे पहले सातवां बता दे रहे हैं और दसवां आठवां नौवां कर लीजिएगा दिया है। सातवां है ए एन बराबर दिया है फोर एन माइनस थ्री और यहाँ पे निकालना है हमें ए सत्रह और ए चौबीस ए सत्रह और ए चौबीस निकालना है हमें ठीक है। तो ए एन दिया है ध्यान देना ए एन का मान इतना है हमें ए सत्रह ए चौबीस ज्ञात करना है। तो हल ए एन बराबर है फोर एन माइनस थ्री ए सत्रह जब निकालना है तो एन के स्थान सत्रह तो यहाँ भी चार गुणे सत्रह माइनस तीन सत्रह चौका अड़सठ माइनस तीन पैंसठ ए चौबीस करिए ए चौबीस करेंगे तो एन के स्थान चौबीस चार गुणे चौबीस माइनस तीन चौबीस चौका छह माइनस तीन कितना व्यक्ति जाना ठीक। तो हो गया सातवां। इसी तरीके से हम दसवां प्रश्न भी बता दे रहे हैं अठवां नंबर कर लीजिएगा। दसवां प्रश्न है दसवां है एन बराबर है एन एन माइनस टू अपान एन प्लस थ्री और इसमें निकालना है ए ट्वेंटी तो क्या निकालना है ए ट्वेंटी तो देखो हम क्या करेंगे एन के स्थान में ट्वेंटी रखिए बीस यहाँ आ जाएगा बीस बीस माइनस दो बीस धन तीन बीस बुढ़े बीस में दुबे अठारह बटे तेईस ठीक है अठारह छत्तीस तीन सौ साठ बटे ये हो गया दसवां। तो एक से लेकर दस तक सारा प्रश्न हो गया है और हमारे पास बचा है
11, 12, 13 और 14, चार प्रश्न और बचे हैं। हाँ देखिए, प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 11 है A1 बराबर 3, 11वां क्वेश्चन है A1 बराबर 3 और दिया है An बराबर 3 An प्लस 2 An बराबर 3 An माइनस 1 प्लस 2 ठीक है, An बराबर 3 An माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ दिया है सभी n जो है एक से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़ा। तो चलो हम लोग हल करते हैं ध्यान से, A1 का मान दिया है 3, ध्यान देना ये तो दिया है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि दिया है An बराबर 3 An माइनस 1 प्लस 2। चलो हम लोग n का मान कितना लेंगे, एक से ज्यादा मतलब 2 से शुरू करेंगे, कहाँ से 2 से। चलिए तो A2 n के स्थान पे 2, n बराबर 2 लेने पर साइड में लिखते रहे n बराबर 2 लेने पर n बराबर 2 3 A2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 A1 प्लस 2, A1 का मान दिया है 3 प्लस 2 कितना है, तीन दिखाना 2 11 ठीक है, 11 A2 कितना हो गया। अब क्या करेंगे, n बराबर 3 लीजिए लेने पर हो जाएगा a3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 a3 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया है 3, यहाँ हो जाएगा a2 प्लस 2, a2 का मान कितना है भैया, a2 वही निकाल है 11 प्लस 2 याद है 33 प्लस 2 कितना हो गया आपका ठीक। कई चुन क्या रहा है, 5 पद लिखना है, तो A1 तो है ये है, तो A2 हो गया हमारा, A3 हो गया, अब A4 निकालेंगे, A4 बराबर फिर यही निकालेंगे, A4 निकालेंगे यहाँ के स्थान में 4, यहाँ पर 3 A4 माइनस 1 प्लस 2 3 A4 से निकला 3 प्लस 2 3 A3 के स्थान क्या लिखेंगे 35 प्लस 2 35 105 107 ठीक है, A4 हो गया। अब क्या करेंगे A5 निकालिए, A5 करेंगे तो n के स्थान 5, n के स्थान क्या देखो A2 यहाँ हो गया, A3 यहाँ हो गया, A4 यहाँ हो गया, A5 में यहाँ दिख रहा हूँ ठीक, A5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 A5 माइनस 1 प्लस 2 3 A4 प्लस 2 3 A4 के स्थान पर क्या लिखेंगे A4 के स्थान पर 107 प्लस 2 321 प्लस 2 हो जाएगा 323। अब एक ठो निकालना है, 5 पद कहा है तो पहला वाला दिया था उसको हम छोड़ देंगे, बाकी 4 ठो करेंगे, 2 3 4 हो गया है, 5 भी हो गया है, 2 3 4 दो वाला हो गया, तीन वाला हो गया, चार वाला, पांच वाला, छठा करेंगे, छठा करेंगे A6 हो जाएगा हमारा 3 A6 माइनस 1 प्लस 2 3 A5 प्लस 2 A5 का मान रखेंगे यहां से हमें प्राप्त है 3 उड़ा 323 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 3 6 9 प्लस 2 9 3 11 6 7 9 971 हो जाएगा ठीक है। तो श्रेणी का अनुक्रम का 5 पद जो है आगे निकाल लिख लिए हैं ठीक है। अब इसमें आपको 12 नंबर का प्रश्न और 13 नंबर का प्रश्न अपने से लिखना है ठीक है, करना है। देखिए सवाल नंबर 14 है, फाइबोनैकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है तो दिया है सब, इसमें एक बराबर A1 बराबर A2 तथा n बराबर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, n 2 से बड़ा है तो an प्लस 1 अपान an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5
ध्यान से देखिए क्या है, एक बराबर ए वन है बराबर ए टू, ए दिया है समीकरण नंबर एक, 14 का हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, और ए एन बराबर दिया है, ए एन बराबर दिया है हमें ए एन माइनस एक और ए एन माइनस टू, ए एन माइनस एक प्लस ए एन माइनस टू, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है, और एन का मान दिया है 2 से बड़ा, तो एक कंडीशन ए दिया है और एक हमें ए दिया है, और क्या दिया है, ज्ञात क्या करना है, ए एन प्लस वन बटा ए एन, ठीक, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम यहां से लिखेंगे, ठीक है। चलो एन बराबर 2 से बड़ा बोला है, हमें 2 से बड़ा 3 से चालू करना पड़ेगा, कहां से 3 से, यहाँ देखो दशमलव 2 से बड़ा 2.1, 2.2 ये सब भी होते हैं, 2.3, 2.4, 2.5 वो सब नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या दशमलव में नहीं होती है, जैसे पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ये पूर्णांक होता है, क्या होता है, आज जैसे 11वां नंबर का खिलाड़ी, 10वां नंबर का खिलाड़ी, ये सब पूर्णांक होते हैं, 7.5वां नंबर का खिलाड़ी थोड़ी न होता है, इसलिए एन का मान हमें धन पूर्णांक लेना है, पूरा पूरा एन बराबर 3 से चालू करेंगे, 2 से बड़ा 3 से। तो चलिए ए 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए 3 प्लस 1, एक मिनट, हाँ चलिए ए एन लेते हैं, ए एन हम यहां लेते हैं, ए एन बराबर ए एन माइनस एक प्लस ए एन माइनस टू, ठीक है। तो ए 3 लीजिए, एन बराबर 3 हो जाएगा, ए 3 माइनस 1 प्लस ए 3 माइनस 2 हो जाएगा ए 2 प्लस ए 1, ए 2 के स्थान पर एक, ए 1 के स्थान पर एक, कितना हो गया, ठीक है, ए 3 तो निकल गया। अब आगे क्या करना है, ए 4 लीजिए, ए 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए 4 माइनस 1 प्लस ए 4 माइनस 2 हो जाएगा ए 3 प्लस ए 2, ए 3 का मान कितना है 2, ए 3 का मान 2 निकालें, प्लस ए 2 का मान कितना है 1, 2 1 3, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ए 5 हो जाएगा, ए 5 माइनस 1 प्लस ए 5 माइनस 2, ए 4 प्लस ए 3, ए 4 का मान 3 है प्लस ए 3 का मान 2 है, 3 2 5, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ए 1 1, ए 2 1, ए 3 2, ए 4 3 और ए 5 5, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये तो निकल गया, हमें निकालना क्या, इसका मान निकालना, इसका, ठीक है। इसमें एन का मान 1 2 3 4 5 तक लेना है, 1 2 3 4 5 तक लेना है, इसका मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा निकालते हैं, ठीक, हमें जिसका मान निकालना है उसको करते हैं। चलो ए एन प्लस 1 अपान ए एन, अब यहाँ से स्टेप चेंज हो गया है, ठीक है। तो एन बराबर 1 लीजिए, एन बराबर 1 करेंगे तो हो जाएगा पहले एन, अच्छा चलो ए एन प्लस 1 अपान ए एन में हम क्या करेंगे, एन बराबर 1 लेते हैं साइड में, एन बराबर 1 लेने पर हो जाएगा ए 1 प्लस 1 अपान ए 1, ए 2 अपान ए 1 हो जाएगा 1/1 बराबर 1, ए 2 का भी मान 1 है, ए 1 का भी मान 1 है। लिखने का तरीका सीखिए, ठीक है, पहला। दूसरा एन बराबर 2 लेना है, लेने पर हो जाएगा ए एन प्लस 1 अपान ए एन में एन बराबर 2 प्लस 1 2, कितना हो जाएगा ए 3 अपान ए 2, ए 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अपान और ए 2 के स्थान क्या लिखेंगे 1, ठीक। तीसरा एन बराबर क्या लेंगे 3 लेने पर हो जाएगा ए एन प्लस 1 अपान ए एन, क्या आ जाएगा ए 3 प्लस 1 अपान 3
जगह ए फोर अपान क्या होगा ए थ्री। ए फोर का मान हम निकाले थे कितना आया था तीन, और ए थ्री का मान कितना है दो। ठीक है, इसी प्रकार एन बराबर कहीं लेना है चार लेने पर, एन बराबर चार लेंगे कितना आएगा देखो ध्यान से, एन बराबर चार लेंगे तो ए एन प्लस वन अपान ए एन, ए चार प्लस एक बटे ए चार, ए पांच हो गया बटे ए चार, ए पांच का मान कितना है पांच अपान ए चार का मान तीन। ठीक है, एक और लेना है एन बराबर पांच लेने पर, एन बराबर पांच लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए एन प्लस वन अपान ए एन, ए पांच प्लस वन अपान ए फाइव, ए सिक्स अपान ए फाइव। अब देखो ए सिक्स का मान निकाले ही नहीं है, ए सिक्स का भी मान निकालिए, ए सिक्स का मान निकालना होगा तो हमें यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देना है, ए फाइव बाद ए सिक्स भी निकालना है, तब साइड में मैं निकाल दे रहा हूँ, ए सिक्स हो जाएगा ए सिक्स माइनस वन प्लस ए सिक्स माइनस टू, ए फाइव प्लस ए फोर, ए फाइव के स्थान पर क्या लिखेंगे फाइव प्लस ए फोर के स्थान पर थ्री, पाँच तीन आठ, यहाँ पर हो जाएगा आठ और बटे ए फाइव के स्थान पर फाइव। तो हमारा ये एन सी आर टी एक्सरसाइज और दसों एक आज पूरा होता है। अब अगले बार जब हम मिलेंगे तो उसमें जो है समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है।